Next effect step is the inoculation with the bacterial plant pathogens. Inoculation is the pathogen or any part of the pathogen that contacts with the plant at certain site to initiate the infection process. इनोकुलेशन में क्या होता है कि एक ऐसा पैथोजन या पैथोजन का पार्ट जो प्लांट के साथ कॉन्टेक्ट करता है ताकि इन्फेक्शन प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट कर सके और बाद में हम लोग सिम्टम्स जो है उसको ऑब्जर्व कर सके। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक स्वाब इनोकुलेशन होती है, स्टैब इनोकुलेशन, सिरिंज इनोकुलेशन, स्प्रे इनोकुलेशन एंड लीफ एब्रेशन। और हर प्रोसीजर में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक सस्पेंशन बनाएंगे, उसमें 0.01 मोलर फॉस्फेट बफर ऐड करेंगे और फिर सस्पेंशन को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो बैक्टीरिया के जो क्लम्प्स हैं या उसके जो क्लस्टर्स हैं वो डिस्पर्स हो जाए। सो जो इसकी फर्स्ट टाइप है दैट इज स्वाब इनोकुलेशन। सबसे पहले हम लोगों ने एक स्टेरिलाइज कैट लेनी है और फिर उसको हम लोगों ने कट कर लेना है फ्लेम स्कैल्पर के साथ। फिर हम लोगों ने एक स्टेरिलाइज पेट्री डिश लेनी है और फिर इसको हम लोगों ने इसके ऊपर एक फिल्टर पेपर जो है वो रख देना है। फिर हम लोग एक स्टेरिलाइज स्वैप, स्वैप जो होता है वो एक अब्सॉर्बेंट मटेरियल होता है, ये अब्सॉर्बेंट मटेरियल जिसके साथ कॉटन वूल जो है वो अटैच होती है, उसको हम लोगों ने डिप करना है एल्विनिया कैरोटोवोरा के सस्पेंशन में और फिर हम लोगों ने इसको जो कट पार्ट है उसकी सर्फेस पे स्प्रेड कर देना है। और जो डिश में जो फिल्टर पेपर है उसको हम लोगों ने मॉइस्टन करना है और लास्ट में हम लोगों ने इसको इंक्यूबेट कर देना है रूम टेम्परेचर पे। सेकेंड इसकी टाइप है दैट इज द स्टॉप इनोकुलेशन। स्टॉप जो है वो एक शार्प ऑब्जेक्ट होता है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नीडल लेंगे, उसको हम लोग डिप करेंगे एग्रोबैक्टेरियम के सस्पेंशन में और फिर इसको हम लोग टोमेटो सीडलिंग या किसी भी प्लांट जो है उसकी पार्ट में जो है वो स्टैप कर देंगे। फिर हम लोग इसको ग्रीन हाउस में रखेंगे एट 24 डिग्री सेल्सियस। थर्ड फेज से सिरिंज इनोकुलेशन, इसमें करेंगे कि हम लोग एक स्टीराइल सिरिंज लेंगे और उसको हम लोग फिल कर देंगे एल्विनिया स्टीवर्टी के सस्पेंशन के साथ। फिर हम लोग इस इनोकुलम के कुछ ड्रॉप्स को इंजेक्ट करेंगे किसी भी प्लांट के पार्ट में या इसमें कॉर्न सीडलिंग के सूर्य स्टेम में, उसके फॉल स्टेम में, और लास्ट में हम लोग इसको ग्रीन हाउस में रखेंगे एट 24 डिग्री सेल्सियस। The fourth is the spray inoculation. इसमें हम लोग क्या करेंगे, एटोमाइजर जो है उसको हम लोग फिल करेंगे जंतुमनास कंपेस्टिस के सस्पेंशन के साथ और फिर हम लोग इसको टोमेटो सीलिंग के लिए से स्प्रे करेंगे जब तक कि रन ऑफ ना हो जाए और फिर प्लांट को हम लोग लास्ट में मॉइस्चर चैम्बर में रखेंगे 24 से 48 आवर्स के लिए। इसको ग्रीन हाउस से निकालने से पहले हम लोग इसको मॉइस्ट चैम्बर में रखेंगे 24 से 48 आवर्स के लिए। लास्ट जो है वो लीफ एब्रेशन है। लीफ एब्रेशन में क्या करेंगे, हम लोग मैश कार्बोरेंडम यूज करते हैं, दैट इज द सिलिकॉन कार्बाइड, और ये जो है ये यूज होता है एज एन एब्रेशन फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग। सो इसको हम लोग जो है वो किसी भी प्लांट जिसमें बीन प्लांट है, बीन प्लांट के लीफ में जो है वो स्प्रेड करेंगे और फिर हम लोग स्टेराइल स्वाब लेंगे, उसको हम लोग डिप करेंगे ज़ैंथोमोनास कॉम्पेस्टिस के सस्पेंशन में या किसी भी पैथोजन के सस्पेंशन में और फिर इसको लीफ पे जो है वो रब करेंगे और फिर हम लोग प्लांट को ग्रीन हाउस में रखेंगे एट अबाउट 24 डिग्री सेल्सियस और बाद में हम लोग जो है वो 2 वीक्स के अंदर सिम्टम्स जो है वो ऑब्जर्व कर लेंगे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिसेमिनेशन ऑफ फंगस स्पोर्स एंड बैक्टीरियल सेल्स बाय विंड एंड वाटर। सो डिसेमिनेशन क्या होता है, डिसेमिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ प्लांट पैथोजन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट और स्प्रेड ऑफ इनोकुलम इन्फेक्टिव पोर्शन ऑफ द पैथोजन फ्रॉम द सोर्स। इसमें क्या होता है कि इनोकुलम जो इन्फेक्टिव पोर्शन है पैथोजन का वो सोर्स से मूव करता है और स्प्रेड होता है और इस प्रोसेस को हम लोग डिस्पर्सल भी कहते हैं। अब जो इनोकुलम है मीन जो पैथोजन का इन्फेक्टिव पोर्शन है, जब वो एक हेल्दी प्लांट के साथ कॉन्टेक्ट करेगा तो इन्फेक्शन जो है वो अकर हो जाएगा। सो व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ द डिसेमिनेशन, एरिया, एयर, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और मैन, दीज आर ऑल द एजेंट्स जो डिसेमिनेट करते हैं प्लांट पैथोजेंस को। तो दो टर्म्स आते हैं, एक एनिमोकोरी आती है और एक हाइड्रोकोरी आती है। एनिमोकोरी क्या होती है कि जब सीड्स, स्पोर्स और फ्रूट जो है वो डिस्पर्स हो विंड के जरिए से तो हम लोग उसको एनिमोकोरी बोलते हैं और जब फ्रूट्स और सीड्स जो वाटर के जरिए से डिस्पर्स होंगे तो उसको हम लोग हाइड्रोकोरी बोलेंगे। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिसेमिनेशन बाय विंड। द एयर परमिट्स द मोस्ट रैपिड एंड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट पैथोजेंस। अब जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो क्या करती है, वो फंगस स्पोर्स, बैक्टीरिया जो पोलन्स उसके मैसेज को डिस्टर्ब करती है, उसको कैरी करती है और उसको हाइट तक ले जाती है
और फिर जब ये एयर सर्कुलेट करती है तो इस माइन्यूट स्पोर्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो ले जाती है। सो द डिसमिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजेंस बाय एयर टेक्स प्लेस इन टू वेज, दो तरीकों से जो है वो एक जरिए से प्लांट पैथोजेंस जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं। एक तो बाय विंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज प्लांट पार्ट्स एंड सेकेंड वन इज द बाय विंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स एंड वेजिटेटिव सेल्स। सो नेक्स्ट इज द विंड डिसेमिनेटिंग फंजाई। जो फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत इजीली जो है वो एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ये स्मॉल होते हैं, दूसरा इनका वेट जो है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस से इजीली जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में यूडो स्पोर्स ऑफ रस्ट फंजाई, कुनिटी ऑफ फाइटोपथोरा एंड टीलियो स्पोर्स ऑफ सम स्मट्स। ऐसा इंस्टाग्राम में शो हो रहा है कि ये एक प्लांट है जो इन्फेक्टेड प्लांट है जिसमें स्पोर्स है, और विन के बाद जो है ये हेल्दी सस्टेनेबल प्लांट्स पे जो है ये जाएगा और फिर ये इसको भी इन्फेक्शन कॉज कर देगा। अब नेक्स्ट जो है वो एक एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं विंड टनल एक्सपेरिमेंट। इसमें करेंगे हम एक विंड टनल लेंगे और उसके साथ हम लोग फैन जो है वो अटैच कर देंगे, और फिर हम लोग बैक्टीरिया के जो कल्चर है प्योर कल्चर है उसको हम लोग वहाँ उसके बिल्कुल सामने जो है वो फैन के सामने जो है वो रख देंगे। उसके बाद हम लोगों ने चार पैटर डिश लेनी है, पीटीए की, प्रोटोडेक्टस एगर की, और उसको भी हम लोगों ने वर्टिकल पोजिशन पे रख देना है और फिर इसको हम लोगों ने मार्क कर देना है 1, 2, 3, 4 से। जब फैन जो है वो चलेगा तो उससे हम लोग करेंगे हम लोग जो कल्चर और डिशेज है उससे हम लोग कवर रिमूव कर देंगे 30 सेकेंड्स के लिए, और जब बैक्टीरियल प्रोटीज डेवलप होना शुरू करेंगे तो हम डिशेज को कवर कर देंगे, उसको सील कर देंगे, उसको इंक्यूबेट कर देंगे, और लास्ट में हम लोग जो है वो डिस्टेंस फैन का कल्चर के साथ और फैन का पॉट्स के साथ, हर पॉट के साथ कितना डिस्टेंस है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट जो है वो डिसमिनेशन बाय वाटर है। वाटर में सर्व फॉर डिसमिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजन इन टू वेज। इसमें भी जो है वो दो तरीकों से जो है वो प्लांट पैथोजन को डिस्पर्स करता है। सो फर्स्ट इज द एज अ मीडियम इन विच एक्टिवली मोटाइल ऑर्गेनिजम्स और स्पोर्स में स्विम अबाउट, या एज अ मीडियम वो प्ले करता है जिससे एक्टिवली मोटाइल ऑर्गेनिज्म स्पोर्स जो है वो जिसमें रहते हैं। अब क्या होता है कुछ बैक्टीरियल प्लांट पैथोजन जो है वो एक्टिवली मोटाइल सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो है ये लिक्विड मॉइस्चर पे डिपेंड करते हैं और इसको एज अ मीडियम यूज करते हैं ताकि वो उसमें डेवलप कर सके और फिर अपने फ्लैजेला के मूवमेंट के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाए। अब इसके एग्जांपल में लेग बैट ऑफ पोटैटो है व्हिच इज इन्फेक्टेड बाय द फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स व्हिच इज कॉज्ड बाय द एल्ब्यूगो कैंडिडा, एंड डोनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स व्हिच इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोफोरा विटिकोला। और जो सेकेंड इसका वे है वो ये कि पहले मैकेनिकल एक्शन ऑफ रन ऑफ ऑफ रेन, द फ्लोइंग ऑफ इरिगेशन वाटर और बाय स्टीम फ्लो, मींस उसके फोर्सेस से, एक फोर्स से जब वो नीचे जाती है उसके फोर्स से या फिर इरिगेशन वाटर के फ्लो होने से या फिर स्टीम फ्लो से ये जो है ये डिस्पर्स करती है प्लांट पैथोजन को। इसमें क्या होता है कि जब हैवी ड्यू से मॉइस्चर निकलता है तो ये नॉन मोटाइल स्पोर्स उसको भी ट्रांसपोर्ट कर लेती है। इसके अलावा फ्लड वाटर, इरिगेशन वाटर, स्ट्रीम फ्लो जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है पैथोजेनिक फॉर्म को सेपरेट करने में। इसमें इसकी एग्जाम्पल आती है द एगोट सेक्लेरोटिक ऑफ एक्वेटिक ग्रासेस कैन फ्लो बिकॉज ऑफ द एयर करंट एंड दस डिस्पर्स बाय वाटर। ये जो है एक फंगल डिजीज है जो ग्रास में होती है और ये इसके स्पोर जो है वो फ्लो करते हैं एयर कंटेंट की वजह से और फिर ये वाटर के जरिए से डिस्पर्स हो जाते हैं। लास्ट में हम लोग रेन स्प्लैश डिस्पर्सल को डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट एफिशिएंट मीन फॉर बैक्टीरिया, और इसमें क्या होता है कि रेन ड्रॉप्स फॉलिंग विद फोर्स ऑन सोइल पॉस्टुल्स और इवन सोइल सरफेस में स्प्लैश द पॉपोब्यूल्स। रेन ड्रॉप्स होते हैं वो फोर्स के साथ गिरती हैं सोइल पे, पॉस्टुल्स पे, और फिर ये पॉपोब्यूल्स मीन जो ऐसे स्ट्रक्चर से एक नया प्लांट बॉडी जो है वो डिवेलप हो जाती है उसको स्प्लैश करती है और फिर जो है इसको हेल्दी सस्टेनेबल सरफेस पे जो है वो लैंड कर देती है। दी वाटर ड्रॉपलेट्स में भी कैरी टू लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय एयर। वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो एयर के जरिए से लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो चले जाते हैं। अब इसी एग्जांपल में आता है बैक्टीरियल लीव स्पॉट ऑफ राइस दैट इज कॉज्ड बाय द ज़ैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रस पीवी ओराइज़ा। Fungus spores and bacteria present in the air or plant surface are washed downward by the rain splash or drops from overhead irrigation and are deposited on the susceptible healthy plant. जो fungus spores और bacteria होते हैं जो air में या plant surface पे present होते हैं वो क्या होते हैं कि जब rain splash होती है तो उसके जरिए से susceptible healthy plant पे जो है वो deposit हो जाते हैं और फिर वो infection cause करते हैं।
थैंक यू।